नमस्कार मु मनस्विनी प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को पुनर्बार आपण मानको एही नववर्षरे स्वागत जणा आसंतु आजिरो ध्यान निमन्ते पवित्र बाइबल माथियो लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पदरु 12 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजिरो मुख्य प्रसंग हेउछि से राजा भावरे जन्मग्रहण करियछन। एही अंशरे एपरि लेखा अछि, हेरोद राजांक समयरे जिहुदा प्रदेशर बेथली हिमरे जीशुंक जन्म हेबा परे देख पूर्व देशर केतेक पंडित जिरुसलमकु आसी कहिले, जिहुदी मानंकर जेउ राजा जन्मग्रहण करियछन्ति से केउठारे? कारण आम्भे माने पूर्व देशर ताहांक तारा देखि ताहांकु प्रणाम करिबाकु आसी। एहा सुनी हेरोद राजा ओ ताहांक सहित समुदाय जिरुसालम निवासी उत्पिग्न हेले। पुणी से लोकंकर समस्त प्रधान जाजक ओ शास्त्रींकु एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्मग्रहण करिबे ताहा सेमानंक ठारु बुझिनेबाकु चेष्टा कले। सेमाने तांकु कहिले जिहुदा प्रदेशर बेथली हिमरे, कारण भाववादींक द्वारा एपरि लेखा अछि, आउ गो जिहुदांक प्रदेशर बेथली हिम, तू जिहुदार प्रधान नगर समूह मध्ये कौनसी प्रकारे क्षुद्र तम नहुं, कारण जे आम्भर इस्राएल लोकंकु प्रतिपालन करिबे एपरि जणे शासनकर्ता तोठारु उत्पन्न हेबे। ताहा परे हेरोद पंडित मानकु गोपनरे डाकी सही तारा केऊ समय रे देखा गला एहा सेमानंक ठारु सूक्ष्म रूपे बुझिनेले। पुणी से सेमानकु बेथली हिमकु पठाई कहिले, आपण माने जाई सेई शिशुंक संबंधरे सूक्ष्म रूपे अनुसंधान करंतु, आउ संधान पाइला क्षणी आम्भकु संवाद दिगंतु जेपरि आम्भे मध्य जाई ताहांकु प्रणाम करिबे। सेथिरे सेमाने राजांक कथा सुनी चलीगले, आउ देख सेमाने पूर्व देशरे जेउं तारा देखिथिले ताहा सेमानको आगे आगे जाई जेउंठारे शिशु थिले शेषरे सेही स्थान उपरे स्थगित हेला। सेमाने तारा देखि महा आनंदरे अतिशय आनंदित हेले, आउ गृह भितरकु जाई शिशुंकु ताहांक माता मरियमक संगरे देखिले ओ ताहांकु भूमिष्ठ प्रणाम कले। पुणी आपणा आपणा पेड़ी फिटाई सुना कुंदुरु ओ गंधरस ताहांकु दर्शनी देले। परे हेरोदंक निकटकु बाहुड़ी न जीवाकु स्वप्नरे प्रत्यादेश पाई सेमाने अन्य पथ देई स्वदेशकु प्रस्थान कले। आसंतु आजि पठन करा जाइथिबा वाक्यकु बुझिबा पाए चेष्टा करिबा। जिहुदी मानकर राजा भावरे आसीथिबा जीशु बेथली हिमरे जन्म नेले। जेउ माने जीशुंकु स्वागत करिबाकु ओ उपासना करिबाकु जाइथिले सेमाने अण जिहुदी मानंकु अंतर्भुक्त करिबार एक प्रतीक अटे। एही समयरे जिहुदी माने जेउ माने सेमानंकर राजांकु उपासना करिबा उचित थिला सेमाने जीशु राजांकु स्वागत न करि दूररे रहिले। एपरिकि हेरोद नवजात शिशुंकु हत्या करिबा पई षडयंत्र करिथिले, कारण हेरोद से निजर अधिकार हराइबाकु चाहु नथिले। किंतु परमेश्वरंक हस्तक्षेप हेतु हेरोदंक दुष्ट योजना विफल हेला। आजिर अध्ययनरे जीशु किए अटन्ति आसन्तु आम्भे माने देखिबा। कठोर शासन कालरे जीशु लोकमानक निकटकु आसिथिले। जीशु बेथली हिमरे बाह्य अंचलरे निष्ठुर राजा हेरोदंक समयरे जन्मग्रहण करिथिले एवं तांकु पूर्व देशर पंडित माने ग्रहण करिथिले। जीशु जणे शक्तिशाली व्यक्ति भावरे नुहे, बरं जेउ माने अवहेलित
ଓ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ କଣ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯେ କି ତାହାଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ ଉତ୍ସାହ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି କି? କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଉପାସନା ଆଡ଼କୁ ତୁମକୁ କଢ଼େଇ ନେଉଅଛି, ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି କି? ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତୁମକୁ ଉପାସନା ଓ ଆରାଧନା କରି ତୁମର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ।